तो अब तुम समझे कैसे प्लांट्स का पसीना उन्हें और हमें ठंडा रखता है? हाँ समझा। हेलो, ओके, कितनी देर में आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। कुणाल, जॉर्ज के अंकल मिस्टर सूरज यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना है, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना प्लीज। ओके आंटी। अच्छा चलो। आ, मुझ पर जुल्म करना बंद करो, बस भी करो अब। कुणाल अंकल को थोड़ा सैलेड पास करना। ठीक है आंटी। ये बेटा, पर एक कैरेट्स और ऑनियन को हटा दो, मैं ट्यूसडे के दिन वेजिटेबल्स नहीं खाता। हाँ, देखो तो ये कौन है जिसने उठा के कैरेट को नहीं खाया? आंटी, सूरज अंकल ने तो कहा कि वो ट्यूसडे को वेजिटेबल्स नहीं खाते ना। हाँ, तो फिर उन्होंने टोमेटो और खीरा क्यों खाया? वो वेजिटेबल्स नहीं है क्या? नहीं, टोमेटो और खीरा फ्रूट्स है। फ्रूट? हाँ। सच्ची? हम्म। पर मम्मी तो इन्हें वेजिटेबल्स बुलाती है। सब लोग इन्हें वेजिटेबल्स ही समझते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्लियर डिफरेंस है। फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें प्लांट्स के सीड्स होते हैं, जैसे कि ये देखो। जबकि वेजिटेबल प्लांट का बॉडी पार्ट होता है, जैसे लीव, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, ये सब। समझ गए ना? अब मुझे फ्रूट सलाद में कभी मत डालना। अगर वेजिटेबल प्लांट का बॉडी पार्ट है तो ये कौन सा पार्ट हुआ फिर? कैरेट प्लांट का रूट होता है। हाँ, ये मजेदार स्वाद मेरी रूट में ही तो बसा हुआ है। रूट? कैसे? रुको, तुम्हें फोन पे दिखाती हूँ, आओ। ये देखो, ये कैरेट ग्राउंड के नीचे उगता है, इसलिए ये रूट है। वाओ! और बॉडी पार्ट्स देखने हैं प्लांट के? हाँ बिल्कुल। अरे, हम प्लांट्स की कोई इज्जत है या नहीं? ऐसे ही बॉडी पार्ट्स दिखा देगी क्या हमारे? ये पोटैटो एक स्टेम है। अरे, ये तो ग्राउंड के नीचे है, ये स्टेम कैसे हुआ? क्यों नहीं हो सकता, स्टेम तो मिट्टी के नीचे और ऊपर दोनों जगह होती है। ठीक है, होती है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये रूट नहीं स्टेम है? अब ये बताओ कि ये क्या दिख रहा है? अरे, इसमें से तो कुछ निकल रहा है। हाँ, क्या तुमने घर पर पोटैटो से ऐसा कुछ निकलते हुए देखा है? हाँ, कभी कभी तो देखा है। हाँ, तो इन्हें स्प्राउट्स कहते हैं। मेरी दोस्त पोटैटो की यही बात मुझे अच्छी लगती है। काश मैं भी स्प्राउट उगा सकता। आप बताओ, क्या तुमने कभी कैरेट से ऐसे छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलते हुए देखे हैं? नहीं बेटा, यही तो मेरी बदकिस्मती है, रूट से ऐसे प्यारे प्यारे स्प्राउट्स नहीं निकलते। हाँ, इसीलिए कैरेट स्टेम नहीं रूट है, रूट से स्प्राउट्स नहीं निकलते। तो अगर कभी तुम्हें ये कंफ्यूजन हो कि ये स्टेम है या रूट है, तो ये सोचो कि उसमें से स्प्राउट निकल रहे हैं या नहीं। अगर हाँ तो वो स्टेम है, अगर नहीं तो वो रूट है। ओके। चलो, मैं तुम्हें किचन में चल के और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में समझाती हूँ। ठीक है। मैडम क्यूरियस, मैडम क्यूरियस। दोस्तों, सीड्स तो इस मिर्ची में भी है, फिर इसे भी फ्रूट ही होना चाहिए, तो क्या ये भी एक फ्रूट ही है? जानने के लिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।